हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डिवाइस नेम के बारे में, जैसे कि हम डिवाइस नेम कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है अबाउट डिवाइस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिवाइस नेम, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है डिवाइस नेम, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कट करेंगे, कट करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रियलमी नार्जो, लिख लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपका चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, डिवाइस नेम, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने डिवाइस नेम पर जाएंगे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपने स्टोरेज पर जाएंगे तो यहाँ से आप अपना स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं और स्टोरेज चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे मेरा 64 GB मेरा टोटल है और यहाँ पर 59.2 GB मेरा यूज़ हो चुका है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है फैन वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।